हेलो फ्रेंड्स, एक नए बल ब्लॉग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको जो इंडियन टॉयलेट है, आपको बहुत सारी जो प्रॉब्लम होता है क्या है, इंडियन को वेस्टर्न बनाने के लिए कैसे बनाना है। फ्रेंड्स, मैं अब एक बाथरूम को लेके जाता हूँ, उसका बारे में पूरा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इंडियन टॉयलेट को वेस्टर्न टॉयलेट बनाने के लिए कितना खर्चा होता है, किस तरह बनाना पड़ेगा, क्या क्या चेंज करना पड़ेगा, कैसे बनाना है, उसका पूरा एक्सप्लेन इस ब्लॉग में मैं करता हूँ। फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक बाथरूम है। फ्रेंड्स देखिए, एक बाथरूम है, यहाँ पे एक जो ये बैठा है इंडियन उड़ीसा पैन लगा हुआ है। फ्रेंड्स, पहले तो आपको देखना है ये जो उड़ीसा पैन है, ये उड़ीसा पैन का जो ये प्लेटफॉर्म क्या होता है, फ्लोरिंग से ये ऐसे ही हाइट मिलता है, कहीं कहीं इतना हाइट मिलता है, कहीं कहीं और थोड़ा हाइट होता है, और कहीं कहीं थोड़ा ये टच होता है, ज़्यादा एरिया होता है। फ्रेंड्स, पहले चीज़ आपको देखना है, अगर हमको इसको तोड़ना है, पहले जो ये उड़ीसा पैन है इसको तोड़ देना है। तोड़ने के बाद है, इसका अंदर एक पी ट्रैप लगा रहता है। फ्रेंड्स, जो वेस्टर्न कमर होता है, कमर का अंदर पानी रहता है, क्योंकि कमर का अंदर पानी ऐसा होके हो जाता है। इंडियन में क्या होता है, नीचे एक पी ट्रैप एक्स्ट्रा लगा रहता है, वो पी ट्रैप है नीचे। अगर हमको इसको इंडियन को तोड़ के वेस्टर्न बनाना है कमर तोड़ने के बाद, फ्रेंड्स देखिए, इसका अंदर जो ये पी ट्रैप लगा है, ये जो सेरामिक का एक जॉइंट है, यहाँ पे देखिए जॉइंट है, उसको भी तोड़ के हमको पाइपलाइन से सीधा 90 डिग्री बनाना है, बेल्ट डालना है, क्योंकि अगर हम इसको तोड़ के इसी का ऊपर डाल दिया तो ये डबल पी ट्रैप हो जाएगा। कमर में एक पी ट्रैप आता है और अंदर भी एक पी ट्रैप आता है, जिसकी वजह से फ्लश होने के बाद ठीक से फ्लश नहीं होगा, वो एक रीजन है। इसीलिए अगर हम इंडियन कमर को तोड़ेंगे, पहले तो इतना तोड़ना है, तोड़ने के बाद फिर ये इंडियन में क्या होता है, पूरा स्लोप कमर को दिया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर पानी यहाँ गिरा तो अंदर ही जाएगा, कमर का अंदर जाएगा, क्योंकि चारों तरफ का जो टाइल्स का स्लोप है सभी कमर में दिया जाता है। जब हमको वेस्टर्न बनाना है तो ये स्लोप बाहर देना पड़ेगा, तो इसका टाइल्स जाएगा। फ्रेंड्स, आपको डिसीजन लेना है, अगर इसी हाइट के ऊपर आपको वेस्टर्न बनाना है तो आपको क्या करना है, पहले कमर को तोड़ दो, फिर आपको इतना एरिया तोड़ना पड़ेगा नीचे तक, जहाँ तक पाइपलाइन है वहाँ तक तोड़ के जाना है, पी ट्रैप को तोड़ना है। पी ट्रैप जो पाइप में कनेक्ट है वहाँ से हमको सीधा पाइप ला के बेंड डालना है। और ये इंडियन में क्या होता है, ये प्रोविजन थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस में रहता है, यहाँ से ये जो छोटा कमर है 14 इंच 14 इंच ये वॉल से 14 इंच का डिस्टेंस है। जब हम वेस्टर्न डालेंगे वो 9 इंचेस में रखना पड़ेगा, वो भी बेसिक मॉडल कमोड अगर डाला तो। अगर दूसरा ऑक्शन का वन सेट का कमोड डाले तो कहीं 4 इंच का प्रोविजन आता है, कहीं 6 इंच का आता है, कहीं 1 फिट का आता है, कहीं 9 इंच का आता है, कमोड का हिसाब से हमको प्रोविजन रखना है। अगर आपको बेसिक मॉडल का कमोड डालना है तो उसमें क्या होता है, आप 9 इंच रखा तो बिल्कुल हो जाएगा, ये एक रीजन है। अगर आपको इसी प्लेटफॉर्म का ऊपर आपको बैठाया तो ये ऊपर का टाइल्स चेंज होगा पूरा, कमोड का पूरा नीचे तक तोड़ के पाइपलाइन चेंज करना पड़ेगा, चेंज करके फिर इसको लेवल करके थोड़ा स्लोप नीचे देना है, उसका ऊपर बैठा सकते हैं, ये एक ऑप्शन है। दूसरा रीजन क्या है, अगर आपको बाथरूम का जो फ्लोर है, देखिए फ्रेंड्स, ये जो फ्लोर है एक ही लेवल, इसी लेवल में टोटल बनाना है, तो एक ही, जैसे मान लीजिए आपको जगह कम हो रहा है वेस्टर्न डालने के बाद, थोड़ा ये जो हाइट एरिया है उसको अगर हम एक ही लेवल बनाएंगे तो पहले कमर को तोड़ने के बाद ये प्लेटफॉर्म को तोड़ना पड़ेगा, ये जितना हाइट है इसको ये टाइल्स से नीचे तक तोड़ना पड़ेगा। फिर आपको पी ट्रैप बना के प्रोविजन बनाने के बाद फिर नीचे का टाइल्स लगेगा। फ्रेंड्स, ये जो साइड का टाइल्स है ना, ये जो प्लेटफॉर्म हाइट हुआ है, कहीं कहीं जगह पे ये जो टाइल्स वॉल टाइल्स नीचे तक नहीं रहता है, जब आप प्लेटफॉर्म निकाल दोगे ये भी हाफ टाइल्स मिलेगा यहाँ तक। अगर हाफ टाइल्स मिला तो आपको ये जो टाइल्स का जो सेम मैचिंग नहीं मिलेगा, कहीं भी निकालोगे नहीं मिलेगा, ये पुराना टाइल्स है, इसलिए ये 1/8 का, 8 इंचेस बाय 1 इंच का, अभी वो ऐसा टाइल्स नहीं मिलता है, और सेम कलर भी नहीं मिलेगा। सेम कलर मिला तो भी इसका साथ मैचिंग नहीं होगा, क्योंकि ये पुराना हो चुका है, लाइट फेड हो चुका है, और वो नया रहा है तो थोड़ा डिफरेंट दिखेगा, क्योंकि रिपेयरिंग जैसे दिखेगा। पहले आपको डिसाइड करना है, अगर ये प्लेटफॉर्म निकालोगे तो वॉल टाइल्स जो है, यहाँ तक आपको वॉल टाइल्स जो है चेंज करना पड़ेगा।
तो इसका सेम नहीं मिला तो एक दूसरा कॉन्टेस्ट कलर वॉल को डालना, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म निकलने के बाद ये टाइल्स नीचे तक नहीं है, उसका वॉल टाइल्स का आपको डिसाइड आपको ही करना है। अगर इसका मैं एक सजेशन क्या बताता हूँ, अगर आपने इसको चेंज किया तो ये जो टाइल्स है, चाहे तो सेम कलर का कुछ मैचिंग टाइल्स इतना तक लगा दो, अगर उससे नहीं होता है और बाथरूम को लुक लेना है, ये लेवल में पूरा राउंड जो है बाथरूम का टाइल्स दूसरा कंटेस्ट कलर डाल देना है, ताकि ये बाथरूम का एक रिपेयरिंग जैसा नहीं आएगा, नई लुक जैसा आएगा। और दूसरा चीज़ क्या है, ये फ्रेंड्स ये जब आप तोड़ के प्रोविजन बनाओगे, प्रोविजन बनाने के बाद ये जो वेस्टेज तोड़ोगे इतना जो है फ्रेंड्स, ये क्या होता है, कहीं इंडिपेंडेंट हुआ तो उसका खाली प्रॉपर्टी होगा, किधर भी डाल देगा इसका जो वेस्टेज निकलेगा। अगर अपार्टमेंट में कहीं तोड़ा तो इसको फेंकने के लिए गाड़ी में भेजना पड़ेगा, इसका भी चार्ज लगता है। और दूसरा ये जो फ्लोर टाइल्स है, फ्लोर टाइल्स ये 8x8 का टाइल्स लगा हुआ है, अभी ज़्यादातर 8x8 का टाइल्स नहीं आता है, 1x1 का आता है। अगर 1x1 का टाइल्स डाले तो भी ये जैसे वॉल का रिपेयर देखेगा, ऐसे फ्लोर का रिपेयर देखेगा। अगर आपको दो ऑप्शन है, आप चाहे तो ये इतने तक डाल सकते हैं फ्रेंड, देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन से लेके ये लाइन तक आपको इतना चेंज कर दिया तो हो जाएगा, लेकिन वो देखेगा रिपेयरिंग तरह। आपको उसमें क्या करना है, जब ये चेंज करोगे फ्लोर टाइल्स पूरा बदल दिया तो एक ही कलर हो जाएगा पूरा, वो एक फ्लोर का टाइल्स है। न्यू लुक लाने के लिए अगर आपने बाथरूम में नॉर्मल कुछ खर्च करोगे, बेसिक मॉडल कमर डालोगे, तब तो एक जो रिपेयर होता है ये टाइल्स का, जो इतना ही तक आपको टाइल्स चेंज करना है और फ्लोर का उतना ही चेंज करना है, इसका एक चार्ज आता है। और फुल उसको जो मैं बोला, यहाँ से लेके चारों तरफ से अगर दूसरा कोई कलर का हम पूरा बाथरूम का डाल दिया तो, और बाथरूम फ्लोरिंग निकाल दिया तो, निकाल के दूसरा टाइल्स डाल दिया तो, ये रिपेयरिंग जैसे नहीं दिखेगा, न्यू लुक जैसे लगेगा बाथरूम। उसमें आप वो वन सेट का कमोड डालो चाहे कुछ भी डालो, लेकिन ये अगर आपको बेस ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, सबसे कम बजट में करना बोले तो आपको ये इंडियन को तोड़ देना है, पीटर आपको निकाल के पॉइंट निकालना है, और ये टाइल्स को तोड़ के उसका ऊपर थोड़ा स्लोप बना के टाइल्स डाल के खाली फ्रेम का जितना टाइल्स है उतना ही डालना है, उसका ऊपर बैठा दिया तो आपको सिर्फ कमोड़ का जो चार्ज है, आपको बेसिक मॉडल का कमोड़ आजकल सभी कॉन्टेस्ट कलर बंद हो चुका है, यानी कि आईबेरी भी बंद हो चुका है, सिर्फ एक ही कलर आता है व्हाइट। व्हाइट का वन सेट कमोड़ है, जो एक पीस जो सिंगल जो बेसिक मॉडल का कमोड़ है उसका साथ क्या आता है, फ्लैस्टिंग आता है, कमोड़ आता है, और एक सीट कवर आता है, वो तीनों मिला करके आपको 3800 का अंदर फिलहाल का भी जो रेट चल रहा है व्हाइट कलर कमोड़ आ जाएगा। और उतना टाइल्स डालने के टाइल्स ही है, ये टाइल्स ही प्लस टाइल्स फिटिंग के लिए मिनिमम आपको 1500 रुपया वो लग जाएगा। और दूसरा पी ट्रैप चेंज करने के लिए, इसको तोड़ के जब हम पी ट्रैप चेंज करेंगे उसका भी कम से कम 1000 से 1200 रुपया तक वो फिटिंग का, उसको फिटिंग करने के लिए होता है, क्योंकि तोड़ना है और बैंड भी लगेगा, और 1200 से 1500 तक वो भी खर्च होता है। और ये ऊपर का टाइल्स डालना इतने ही में खर्चा हो जाएगा। अगर फिर कमोड फिट करना बोले तो 3000 ये हो गया, 4-7 हज़ार बोले तो 8000 या तो 9000 लास्ट है उसमें, इसका ऊपर कमोड डालने के लिए, बेसिक मॉडल कमोड डालने के लिए ये प्लेटफॉर्म को ना तोड़ के इसको बनाए तो 8000 तक खर्चा होगा, ये जो इंडियन को वेस्टर्न बनाने के लिए। अगर हमको ये प्लेटफॉर्म हटाना है, हटा के फिर हमको क्या करना है, वो वॉल टाइल्स दूसरा डालना है, जो ये कलर अगर नहीं मिला तो उसको उतना ही मैचिंग करके डालना है, और फ्लोरिंग का उतना ही डालना है। इतने करने के लिए फ्रेंड्स इसका खर्च जो है 8000 से बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो वेस्टेज है उसको भी फेंकना है, और इसको फेंक के अगर हम रेडी किया तो 15000 तक खर्च होता, 15000 लगेगा। आप कैसे भी सोचो, चाहे आप मेरा प्लम्बर भाई हो, चाहे आप कोई कस्टमर हो, आप ही सोचो ये वेस्टेज को फेंकने के लिए कहाँ फेंकना है, उसके लिए भी आपको 500 या तो 1000 रुपया देना पड़ेगा गाड़ी में उठा के लेके जाने के लिए।
और साइड का टाइल्स लाना है उसको सभी कटिंग करके फिनिशिंग करने के लिए। सेम मैचिंग तो नहीं आएगा, ये मैं सीधा बोल रहा हूँ, क्योंकि आप बोलोगे हाँ ये टाइल्स मिल जाएगा हम ला के लगा दें, नहीं मिलेगा, जो पुराना टाइल्स है उसको मिलेगा ही नहीं। हमको क्या है उसी टाइप का कंटेस्ट कलर जो थोड़ा सा जो टाइल्स का साथ मिलता जुलता है उसे टाइल्स हम अगर डालेंगे उतना डाल देंगे। और ये जो 8x8 का टाइल्स फ्लोरिंग का नहीं मिलेगा, 1x1 का इतना एरिया सेम कलर का डालेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा क्योंकि ये कलर फेड हो चुका है और वो नया है। तो इतना करने के लिए 15,000 खर्चा होगा। और दूसरा चीज क्या है, अगर थोड़ा और खर्चा करोगे तो उसमें क्या होता है बाथरूम में रिपेयरिंग जैसा नहीं दिखेगा। वो मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरा फ्लोर का जो टाइल्स है उसको चेंज करना है। और ये लेवल में ये जो बॉर्डर आता है एक टाइल्स जो इसका अंदर है हाफ हो जाएगा, तो इसका मतलब यही टोटल एक टाइल्स को हम चारों तरफ से घुमा देंगे। अगर हम उसको घुमा के नीचे का फ्लोर टाइल्स चेंज करके कमोड डाल दिया, ये बाथरूम में न्यू लुक जैसे हो जाएगा, उसमें कोई भी नहीं पकड़ सकता है यहाँ रिपेयरिंग हुआ है, क्योंकि ये बाथरूम का प्रोसीजर के हिसाब से काम है। और इसको करने के लिए मिनिमम 21,000 से 22,000 तक खर्चा है, क्योंकि आपका बाथरूम का जो एरिया है, अभी देखो ये जो बाथरूम का एरिया है 4.5x7.5 है, तो अगर इसी हिसाब से क्योंकि फ्लोरिंग टाइल्स कितना लगता है उसको टाइल्स को भी काउंट करना है, और क्योंकि ये जो लगाने का कटने का रिपेयरिंग का काम में थोड़ा खर्चा ज़्यादा होता है। फ्रेंड्स कभी भी अगर आपको इंडियन से वेस्टर्न बनाना है तो इसी तरह का, अगर टॉप ऊपर आपको ये प्लेटफॉर्म को कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो उसका ऊपर डाल सकते हो, या तो प्लेटफॉर्म हटा के थोड़ा सा टाइल्स का डिफरेंस है इतना चेंज कर सकते हो, या तो कुछ अगर पूरा डिफरेंस करना है तो इतना में जो बताया वो चेंज कर सकते हो। फ्रेंड्स ये 8,000 से लेके 8,000 में भी चेंज हो जाएगा, 8,000 से कम में चेंज होने का चांस नहीं है। उससे आप कम करोगे कोई भी प्लम्बर भाई आएगा पी ट्रैप को चेंज नहीं करेगा, उसका ऊपर पाइप उठा के बैठा देके चला जाएगा, वो आपको बाद में प्रॉब्लम आता है। इसलिए कभी भी, क्योंकि इंडियन कमर में जो पी ट्रैप होता है वो बहुत डेंजर है, क्योंकि इंडियन कमर देखो वेस्टर्न में डबल है, वेस्टर्न में एक फ्लश होने के बाद फिर यहाँ से ऊपर उठ के जाएगा, फिर वहाँ से ऊपर उठ के जाके फिर जाके बाहर जाएगा, जिसके बीच में अगर पी ट्रैप में कुछ फंस गया तो ब्लॉक हो जाता है। इसलिए फ्रेंड्स ये जो छोटा छोटा जो पुराना इंडियन का कमर बोले तो जहाँ पर इंडियन कमर चेंज करना है उसका टाइल्स भी डिफरेंट रहता है, क्योंकि पहले इंडियन चलता था आजकल इंडियन यूज नहीं हो रहा है, इसलिए आपको चेंज करने का ये तीन ऑप्शन है। ये तीन रीजन से आपको कोई भी सिलेक्शन करना है, प्लेटफॉर्म का ऊपर डालना है या प्लेटफॉर्म को हटाना है या पूरा नया लुक लेना है, क्योंकि नया लुक लेना बोले तो प्लेटफॉर्म को हटा के फ्लोर का और वॉल का एक वन टाइल्स पूरा राउंड चेंज करना पड़ेगा। ये जो इतना तक ये भी अगर हम इसका कलर है उसको कुछ डिफरेंट कलर डाल दिया तो ये भी देखने को अच्छा लगेगा। आप ही सोचना है कैसा है, क्योंकि बहुत सारी कमेंट था मेरे को मेरा दूसरा चैनल में कि इंडियन को वेस्टर्न बनाने कितना बजट आता है, किस तरह बनाना है, क्या करना है, ये तो बाकी करने वाले तो हमारा प्लम्बर भाई लोग अच्छे से कर लेंगे, लेकिन इसका जो बजट है इस तीन तरह का आता है, आपको कौन सा चूज करना है। क्योंकि आप बोलोगे वो आया इंडियन से वेस्टर्न बनना 8,000 लेके चला गया, दूसरा आया 15,000 लेके चला गया, तीसरा आया 22,000 लेके चला गया, लेकिन आपको देखना है तीनों का काम कैसा अलग अलग हुआ है। तो इसलिए आपको डिसाइड करना है हमको क्या बनाना है, इसी हिसाब से आपका बिल्कुल इंडियन से वेस्टर्न बन जाएगा। फ्रेंड्स ये आज का ब्लॉग था, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स लाइक तो जरूर करना। आज के लिए इतना ही है।